लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के 10 प्रत्याशियों की घोषणा के ठीक बाद सचिन पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र टोक पहुंचे, जहां उन्होंने टोक से हरीन मीना को प्रत्याशी बनाने समेत लोकसभा चुनाव पर विस्तार से अपनी बात रखी। वहीं सीएए के मुद्दे पर सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर ध्रुवीकरण का आरोप भी लगाया। टोक से कजोट गुर्जर की रिपोर्ट। राजस्थान में वर्तमान लोकसभा सांसद वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं, तो हमारे पास तो वर्तमान सांसद विधायक आ रहे हैं और बीजेपी में सब पूर्व जा रहे हैं जो कभी हुआ करते थे, तो इस बात को भी जनता को समझना चाहिए। जो व्यक्ति कांग्रेस की विचारधारा को ग्रहण कर रहा है और जो हमारे लंबे इतिहास को स्वीकार कर कर हमारे नेतृत्व में विश्वास कर रहा है, उस व्यक्ति को पार्टी पार्टी में ले भी रही है और मौका भी दे रहा है। मुझे खुशी है कि पार्टी ने लोगों को मौका दिया है उनकी परफॉर्मेंस देखकर और उनका पार्टी की तरफ कमिटमेंट देखकर, और सभी जो 10 अब तक नाम आए हैं वो सब जिताऊ उम्मीदवार हैं हमारे। पायलट साहब,